टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जम्मू कश्मीर में फूलों की नर्सरियों के फरोग का सीजन है। कश्मीर की वादी जो फूलों से सजी होने के नाते वैसे भी मशहूर है, उसमें फूलों के अगले सीजन की तैयारियां जोरों पर हैं। पूरे 12 महीने इसी के साथ, क्योंकि विंटर में हम प्रोडक्शन करते हैं, विंटर में हम सीड बना लगाते हैं, फिर बनाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ऐसे ही हाई टेक्स में लगाना पड़ता है। अभी तो हमारा सेलिंग का टाइम है। तो अभी कितना डिमांड रहता है? अभी शुक्र अल्लाह ताला का डिमांड बहुत अच्छा है। डिमांड के लिए हम कोई नहीं, जितना भी अल्लाह ताला देता है अच्छा ही करता है। मैं यहाँ अपने बगीचे के लिए फ्लावर्स लेने आया हूँ। बर्फबारी का सीज़न होने ख़त्म होने के बाद हम सब अपने घरों में बाग सजाते हैं, पार्क बनाते हैं और उसमें पेड़ पौधे लगाते हैं फ्लावर्स का। अब मैं यहाँ फ्लावर्स लेने आया हूँ क्योंकि मैं अपने पार्क को सजाना चाहता हूँ। फ्लावर्स लगाने से हमारे घर में रौनक आती है, हमारी पार्क में रौनक आती है, बाग बगीचे हमारे सज जाते हैं तो फिर अलग ही रौनक आती है हमारे घरों में। कितनी वैरायटीज़ आपने यहाँ पे? मैंने यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ देखी। इन भाइयों ने हमारे लिए बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल यहाँ पे रखी है, तो मैं कुछ वैरायटीज़ यहाँ से लेता हूँ अपने बाग के लिए और अपने बाग को इन वैरायटी से सजाता हूँ। रमजान के महीने के दौरान जम्मू कश्मीर में खजूरों की डिमांड में बेपनाह इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से इनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। मगर इफ्तारी और खजूर के सदियों पुराने रिश्ते की खातिर रोजादार कीमतों की भी परवाह नहीं कर रहे। इस सिलसिला में खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। रमज़ान में खजूर इसलिए ज़्यादा बिकते हैं, पहले तो इसकी फजीलत है और हमारा रमज़ान में जो रोज़ा रहता है इफ्तारी खजूर से की जाती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रॉपर सुन्नत है ये। पहले ये होता था कि रमज़ान में खाली खजूर बिकते थे, अब पूरे साल खजूर बिकते हैं। पहले ये कुछ कुछ वैराइटीज़ खजूर की आती थी, लेकिन आज पूरा वास्ट हो गया है।
बेशक, क्योंकि सबसे पहले जो है हमारे मजहब के अंदर, दीन के अंदर जो है ना, सुन्नत के एतबार से अगर देखा जाए, खजूर और पानी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा दिन भर रखते थे और खजूर की जो है ना, खजूर के बिना पर जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े को खोला करते थे। इसलिए हमारे मजहब में भी सबसे पहले इसको परखा गया है, इसको जो है ना सबसे पहले दिया गया है। इंडियन आर्मी ने अनंतनाग के इलाके में सकाफती सरगर्मियों को फरोग देने की खातिर थिएटर वर्कशॉप्स का एहतमाम किया है। इस सिलसिला में एक रंगारंग प्रोग्राम की झलकियां देखें। यहाँ पे ये थिएटर को हम उजागर करने की कोशिश की है और इससे क्या है, एक कला पैदा होता है, बच्चों में एक इंटरेक्शन होती है, जैसे कि हमारे शांगस से, अच्छा बल से, वेरी नाक से बच्चे आ रहे हैं, उसको उजागर करने की कोशिश की हमने और हमने इसी की बदौलत इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आज यहाँ शुरू किया है। कारणों की वजह से यहाँ पे जो थिएटर था तो उसमें कुछ रुकावटें आ गई, तो कुछ हालात की वजह से आ गए थे। तो अब जो बच्चे यहाँ पे इनमें बहुत सारा टैलेंट है, अगर इस थिएटर को हम फिर से रिवाइव करेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं उनका जो टैलेंट है वो एक्सपोज हो जाएगा। लगा कि थिएटर्स फिर से हुए, पहले पहले कश्मीर में हुआ करते थे, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ के लिए। तो मैंने आज पार्टिसिपेट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें पार्टिसिपेट करके। हम बहुत शुक्रगुजार है एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिसने हमें ये मौका दिया, हम बहुत शुक्रगुजार है इंडियन आर्मी के जिसने हमें ये मौका दिया। देखिए, जो टैलेंट होता है वो हर इंसान में होता है, जो वो बाहर निकालना चाहिए, जो डर होता है वो अपने आप से दूर करना चाहिए और सबके सामने अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। आज के न्यूज बुलेटिन में हम आपको लद्दाख में सैयाहों के रिकॉर्ड विजिट्स की झलकियां भी दिखाते हैं।
मैं लेह में करीबन हर बरस आता हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही कि हर बरस जब आता हूँ बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और ये दो साल में तो काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। यूटी बनने के बाद तो मुझे लगता है काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ का मौसम बढ़िया है, यहाँ के लोग भी बढ़िया है, बस थोड़ी बर्फ़ पड़ रही है ज़्यादा, और तो कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी एरिया बढ़िया है, घूमने के लिए बढ़िया है। यहाँ पे नुब्रा वैली है, पेंगोंग लेक है और कई बुद्ध की प्रतिमा जो और बाकी मूर्ति वगैरह कई चीज़ है। एरिया अच्छा है घूमने के लिए। बाकी ज़्यादातर तो हरियाणा से बच्चे आए हुए हैं भर्ती देखने के लिए। भर्ती 10 दिन तक चलेगी यहाँ पर, इसलिए बच्चे यहाँ के घूमेंगे वगैरह, अच्छे सब कुछ देखेंगे। चनार के दरख्त कश्मीर की पहचान है। आजकल इन दरख्तों की आबियारी और काश्तकारी का काम जोरों से जारी है। इस सिलसिला में खुसूसी रिपोर्ट देखिए। हिस्ट्री में देखेंगे तो चिनार को रॉयल ट्री का स्टेटस मिला है। मुगल्स इनफैक्ट उन्होंने उसको रॉयल ट्री का स्टेटस, तो इस बात से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्री की कितनी इम्पोर्टेंस है। कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्रिजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो ट्रीज़ का नंबर है वो डिविंडल हो रहा है दिन ब दिन, तो काफ़ी चैलेंज हैं ये जो ट्री है फेस कर रही है इस वक्त। कंस्ट्रक्शन, रोड्स, बाकी जो डेवलपमेंट के नाम पे जो चीज़ें होती है तो वो रुकनी चाहिए। तो हमारा यही एफर्ट रहता है कि अगर कहीं पे चिनार कट गया, से फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई डेवलपमेंट काम हो गया, तो हम ये कोशिश करते रहते हैं कि हर साल नए चिनार लगे। की खूबसूरती से मैं तो मैं मतलब एकदम मुग्ध हो गई हूँ। यहाँ पे आई पहले दिन आके ही मैं हॉल्ट नहीं किया, मैं आके ही पहले इधर आ गई डल लेक के पास। जो व्यू है, जो चिनार, जो ट्रीज़ लगे हुए हैं, ये तो अलग ही जो है ना खूबसूरती बना दे रही है, तो वो नज़ारा ही अलग है मेरे लिए। तो एकदम मैं बोल नहीं सकती, इतना खूबसूरत लग रहा है। तो ये एक हमारी हिस्ट्री या हेरिटेज का पार्ट है, कितना जरूरी है ये जो जी वो तो काफ़ी ज़रूरी हो रही है, होना चाहिए जी, ये तो होना चाहिए क्योंकि पहाड़ क्योंकि है, ठीक है ना। तो चिनार ट्रीज जितना आप लगाओगे उतना मिट्टी को रोक के भी रखेगा, इरोशन नहीं होगा, तो उसके उस हिसाब से तो एनवायरनमेंट के लिए और अच्छा है। और यहाँ की जो हवा है, ताजगी है, यहाँ का एनवायरनमेंट सब बना के रखेगा। और ये चिनार के ट्रीज तो मतलब हम नहीं, हमारे फ्यूचर जेनरेशन के लिए भी तो बहुत अच्छा है। जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ ANI की कर्टसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।